से ज्यादा कोई मायने रखता है तो दिल्ली में और मुंबई में बैठे हुए चंद नेता नहीं मायने रखते हैं, बल्कि ये लोग मायने रखते हैं। यही वो लोग हैं जो हुकूमतें बनाते हैं, जो सरकारें बनाते हैं। अगर ये सरकार एक पैगाम दे रहा है, हम वो जमाते नहीं है, हम वो हराम नहीं है जो तुम कहेंगे, हम हराम नहीं कहेंगे। आंदोलन वापस लिया उससे पहले मैं पुलिस कमिश्नर साहब के पास गया और उनको ये बताया कि ये जो नाम का मुद्दा है ये कोई हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी शिनाख्त है। लेकिन अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि वो यहाँ पर बाहर से आएंगे और हमारे शहर की, हमारे जिले की फिजा को खराब करेंगे, तो मैं साफ शब्दों में उनको यह कहना चाहता हूं, कल उनका आंदोलन है और मुझे मालूम है कि बाहर से किराए के टकरों को बुलाया गया। मैं यहां की पुलिस को एक बात कहना चाहता हूं, अगर जबान उनके मुंह में भी है तो हमारी जबान का मुकाबला कभी जिंदगी भर नहीं। राजा सिंह देखिए हमारे तो कल गंगा जी इख्तलाफ हो सकते हैं, अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अभी जब मैं आया यहाँ पर अभी शाम उस्मानी कांग्रेस का शहर अध्यक्ष हुआ करता था, जब नाम बदला तो उसने ठोकर मारी अपनी कुर्सी पर। आज इंडिया जलील के लिए ऐलान करता है कि अगर मुझसे ये कहा जाए कि मुझे औरंगाबाद चाहिए या मुझे एमपी बनना है, खासदार हम बनाएंगे, तो मैं ठोकर मारूंगा खासदार। कहीं अगर आज हम खड़े नहीं हैं तो ये समझ लीजिए कि कल सरकार को ये लगेगा कि हम खुद भी फैसला कर सकते हैं और ये मरने वाले नहीं है, ये मैदान में उतरने वाले नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई सारे शहरों के नाम बदले गए, उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे शहरों के नाम बदले गए, लेकिन अब इसके बाद अगर सरकार किसी शहर के नाम बदलने की सोचेगी तो उसके सामने ये तस्वीर और ये मजाक देखेगा। तो सिर्फ अपने शहर को बचाने के लिए यहां नहीं उतरे हैं, लेकिन आगे चलकर अगर सरकार किसी भी शहर का नाम बदलने की सोचेगी तो उन्हें एहसास होगा कि यही ये सड़क के ऊपर आएंगे, ये मरेंगे, हमें जमहूरी इख्तियार है, हमें जमहूरियत ने इख्तियार दिया है कि हम मर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ पर किसने ऐसी गलत बातों का इस्तेमाल किया, किसी ने नहीं। लेकिन दो दिन पहले एक निकालने के लिए जब वो सड़क के ऊपर आए तो उन्होंने किस नशे का इस्तेमाल किए, मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि दो दिन पहले तुमने जो यहां पर पूरे मराठवाड़ा से लोगों को जमा किया था, जितनी तादाद थी अरे अगर इंतजार गरीब बुट्टी लाइन में चाय पीने के लिए चला गया, Thank you.
शामिल करने मुस्ताक अहमद साहब जो कमिश्नर थे, वो भी मुस्लिम गवर्नमेंट काउंसिल पूरी ताकत के साथ साथ दे रही है। उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेकिन पीछे से पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपको ये ताकत ऐसे ही बरकरार रखने की है, आपको ये बताना है कि हम मुकदमों के फैसले आग बंद करके कबूल नहीं करेंगे। ये जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर हर इंसान को बोलने का, विरोध करने का ज्यादा होगा। जोड़कर रखिएगा, पूरी ताकत लगा के रखिएगा। निशाला हमारे लगा के